नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बात राजस्थान के पॉलिटिक्स की। 2022 में कांग्रेस और बीजेपी ने कई उतार चढ़ाव देखे, कहीं गुटबाजी देखने को मिली तो कहीं आपसी खींचतान। किसी के लिए 2022 कीर्तिमान भरा रहा तो किसी पार्टी को इतनी कामयाबी नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि 2022 ही चुनौती भरा रहा, 2023 भी कांग्रेस और बीजेपी के सामने चुनौतियों का अंबार लेकर आया है। जरा देखिए दोनों पार्टियों की डगर में कितने अवरोध हैं। आज बात राजस्थान एट 2022 की। राजस्थान की कांग्रेस के लिए साल 2022 सियासी कीर्तिमानों से भरा रहा। उपचुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव, जीत का रिकॉर्ड बनाया, सफलता के साथ उदयपुर चिंतन शिविर का संचालन किया। साल के आखिर में गुजरने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मानो चार चांद लगा दिए। पीसीसी चीफ डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेस ने सत्ता पक्ष में रहते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ कई आंदोलन किए और तिरंगा यात्रा भी निकाली। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2022 का आखिरी महीना राजस्थान की कांग्रेस के लिए सबसे खास रहा, क्योंकि राजस्थान की धरा से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली। करीब 18 दिन राजस्थान में रही और झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर जिले से निकली। राजस्थान की कांग्रेस ने शानदार इंतजाम किए। राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का मैनेजमेंट संभाल रही AICC की टीम पर छाप छोड़ दी। राहुल गांधी की यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और लोगों ने भागीदारी निभाई। अलवर के मालाखेड़ा में बड़ी जनसभा हुई। राहुल गांधी ने राज्य के कांग्रेसियों को कहा कि अपने आसपास की रस्सी तोड़ो, जोड़ो और 15 किलोमीटर दौड़ो। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीते साल में संगठन को अपनी नई टीम के जरिए गति तो दी, लेकिन जिला, ब्लॉक और मंडल टीम का गठन बाकी है। ये जरूर है कि जाते हुए साल में कांग्रेस को सुखजिंदर सिंह रंधावा की अगुवाई में नया प्रभारी मिल गया और अजय माकन की अप्रत्याशित विदाई हो गई। कि ये यात्रा तो प्रथम दिन से ही फैल रही है, क्योंकि राज्य सरकार के खिलाफ कोई जन आक्रोश नहीं है। चार साल से जो उनकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, जनता को उसका लाभ मिल रहा है। पूरे देश में मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना हो, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हो, किसान मित्र ऊर्जा योजना हो, इनकी सबकी चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं कि राजस्थान में बहुत अच्छे फ्लैगशिप योजना है जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, प्रभारी जी का अभी अभी मैसेज आया मेरे पास में कि वो 28 तारीख को जयपुर में रहेंगे और जयपुर की दो जो लोकसभा क्षेत्र हैं, ग्रामीण और शहर, उसके जो MP कैंडिडेट, MLA या MLA कैंडिडेट, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं जिले के और उसके जो PCC के जो पदाधिकारी इंचार्ज हैं, उनके साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक वो लेने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जयपुर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आगे भी इसका कार्यक्रम जब प्रभारी जी आएंगे तो वो जो समय बताएंगे उसके हिसाब से सबसे फीडबैक लेने का, सबसे चर्चा करने का, आगामी तैयारी करने का और भारत जोड़ो यात्रा का जो फीडबैक आया है उसके आधार पर चर्चा करने का, और उसके बाद में जो हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम हमारा 26 जनवरी से चालू होने वाला है, जो बूथ स्तर के ऊपर लोगों को जाना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो हमने फैसला लिया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कि भाई महीने में एक दिन 13-15 किलोमीटर कम से कम जो है वो हर नेता, मंत्री, आपका प्रभारी जो इंचार्ज सेक्रेटरी वगैरह हमारे PCC के हैं वो हैं, तमाम MLAs हैं, ex-MLAs हैं, जो टिकट चाहते हैं या चुनाव लड़े हैं, दोबारा लड़ना चाहते हैं, वो सब नेता इलाकों में पैदल चल करके लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। राजस्थान की कांग्रेस ने उदयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चिंतन शिविर की मेजबानी बखूबी संभाली। पूरे देश से कांग्रेस के बड़े नेता और डेलीगेट चिंतन शिविर में शामिल हुए थे। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चिंतन बैठक में बड़े फैसले लिए गए।
यही तय हो गया था कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष गैर गांधी होगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया, जिसे उदयपुर मेमोरेंडम कहा गया। शानदार व्यवस्थाओं के मद्देनजर गांधी परिवार ने राजस्थान की कांग्रेस की सत्ता और संगठन को साधुवाद दिया। कोई भी दल अपनी चुनावी परफॉर्मेंस से बाजी मारता है। बीते साल में राज्य के सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने उपचुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में बाजी मार ही ली, जिसमें सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। इससे पहले कांग्रेस ने सुजानगढ़, सहाड़ा, वल्लभनगर, धरियावद विधानसभा के उपचुनाव जीते थे। राज्यसभा के चुनाव में 4 सीटों में से कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की और संसद के अपर हाउस में राजस्थान के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया। राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी राज्यसभा के सांसद चुने गए। इससे पहले नीरज डांगी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। बीजेपी से घनश्याम तिवारी को सांसद चुना गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस की रणनीति के कारण निर्दलीय और अन्य दलों से आए विधायक कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ रहे। 2022 राज्य की कांग्रेस के लिए सुखद रहा। कांग्रेस का एक भी सांसद सदन में नहीं भेजा संसद में, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उस आवाज़ को दिल्ली तक मुखर किया और तमाम आयामों पे उस आवाज़ को जो बुलंद किया, वहाँ पे केंद्र की सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया। संगठनात्मक तौर पे हमने यहाँ पे उदयपुर के अंदर नव संकल्प शिविर कांग्रेस पार्टी के इतिहास में सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हमें इसकी मेज़बानी करने का अवसर मिला। पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिल के जिस शिद्दत के साथ में इस नव संकल्प शिविर को किया, ये 2022 का साल कांग्रेस के इतिहास के साथ साथ में राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पिछले एक साल सत्तारूढ़ दल सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आया। ईडी, अग्निपथ, महंगाई, ईआरसीपी और खाद्य पदार्थों में जीएसटी के मुद्दों पर कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सीज करने के मुद्दे पर प्रदर्शन किए गए। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से औसतन हर सप्ताह एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। विरोध प्रदर्शन करने के मामले में सत्तारूढ़ कांग्रेस प्रदेश के विपक्षी दल भाजपा से पीछे नहीं रही। खुद सीएम गहलोत ने सड़क पर उतरकर आंदोलन में भागीदारी निभाई। जून और जुलाई में तो कांग्रेस ने एक दर्जन विरोध प्रदर्शन तक कर डाले थे। पीसीसी की अगुवाई में प्रदर्शन की बात करें तो 13 जून 2022 को पैदल मार्च और ईडी कार्यालय के बाहर धरना दिया। 16 जून को ईडी के विरोध में राजभवन का घेराव हुआ। 19 जून को अग्निपथ योजना के विरोध में जयपुर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। 27 जून को अग्निपथ के विरोध में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन हुए। 21-22 जुलाई को 400 ब्लॉक में अग्निपथ के विरोध में धरना दिया गया। 6 जुलाई को कांग्रेस नेताओं ने ईआरसीपी पर प्रदेश स्तरीय सम्मेलन किया। 16-17 जुलाई को खाद्य पदार्थों में जीएसटी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। 21 जुलाई को ईडी के विरोध में ईडी कार्यालय पर धरना दिया गया। 25 जुलाई को ईडी के विरोध में शहीद स्मारक पर सत्याग्रह हुआ और 26 जुलाई को सभी जिलों में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ऐसा नहीं है कि महज संगठन ने विरोध प्रदर्शन किए। मुख्यमंत्री गहलोत भी केंद्र की नीतियों के विरोध में सड़क पर उतरे। 21 जुलाई 2022 को सीएम गहलोत सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए। 19 जून 2022 को अग्निपथ योजना के विरोध में जयपुर की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। 13 जून 2022 को राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में दिल्ली में हुए प्रदर्शन में भाग लिया और हिरासत में लिए गए। साल 2022 तो कांग्रेस के लिए सुखद रहा, लेकिन आने वाले नए साल में पीसीसी चीफ डोटासरा के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें लंबित नियुक्तियों को पूरा करना है। जिला, ब्लॉक और मंडल कांग्रेस कमेटियों का गठन पूरा करना भी है। उदयपुर मेमोरेंडम को पूरा करना और पीसीसी की गतिविधियों को चुनावी मोड में लाना भी चुनौती है। बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन भी किया जाएगा। अब जो है जुडिशरी डर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डर, और ईबी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वालों को डर है। मतलब ये दबाव में नहीं है खाली, अब डर है। अभी तक हम दबाव की बात करते थे, अब मैं कह रहा हूँ कि इन सबको डर लग रहा है। अगर हमने ऊपर का हुक्म नहीं माना तो क्या होगा? ऊपर से हुक्म आते हैं, आपको इलेक्शन जाना होते हैं,
उसके पहले जाके कहां का छापामारी करनी है, लिस्ट दी जाती है। जो चंदा को देने वाला हो अपनी पार्टियों को, उनको चिन्हित किया जाता है, उनको टाइट किया जाता है, चंदा नहीं मिले इनको। चंदा सिर्फ हमारे पास में आए बॉन्ड के माध्यम से और किसी भी रूप से। एक तरफा खेल चला देश के अंदर। देश को समझना पड़ेगा, देशवासियों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे हम बहुत तकलीफ में आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का मजबूत रहना सबसे सर्वोपरि सर्वोत्तम क्या कहना चाहिए, बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की, जिसकी रक्षा की है कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन कर करके। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी देख रहे हम लोग बहुत ही, मैं बार बार कोई पत्रकार को खुश कर ले नहीं चाहता हूँ। मैं आर्टिकल देख रहा हूँ, पढ़ता हूँ, डिस्कशन आते हैं आजकल। वो सत्य हिंदी का आपका ऐप, एक ऐप बना लगा वो आशुतोष का, उसी ढंग से और कई ऐप बन गया आजकल, तो रवीश कुमार का ऐप बन गया होगा। मैं देखता हूँ उनमें जो डिस्कशन बैठते हैं, आपके आपके साथी होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, लेखक होंगे, साहित्यकार होंगे, क्या क्या मतलब लोगों की सोच है, क्या चिंतित है लोग। कई लोग तो लिखते लिखते थक गए अब आपके, कहाँ तक लिखेंगे इनके बारे में। तो पहले कांग्रेस शासन में क्या था, लोग क्या कहेंगे उससे शासन कांग्रेस करती थी। जनता क्या सोच रही है हमारे बारे में, मुख्यमंत्री के इस्तीफे, रेल मंत्री का इस्तीफा, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा, अब 7-8 सालों को इस्तीफा हुआ है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा फर्क है सोच के अंदर कांग्रेस की और इन लोगों की सोच के अंदर। ये सब बातों को हमें पब्लिक को भी बताना पड़ेगा। साल 2022 कांग्रेस के अंदर बयानबाजियों का साल भी रहा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी रखी, लेकिन सबसे अहम घटना घटी 25 सितंबर के दिन, जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन बतौर ऑब्जर्वर जयपुर पहुंचे। 8 सिविल लाइंस पर CLP की बैठक बुलाई गई थी। उधर UDH मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर बैठक हुई, जिसमें 90 से अधिक कांग्रेस विधायक शामिल हुए। बाद में इन्होंने सामूहिक त्याग पत्र स्पीकर डॉक्टर CP जोशी को सौंप दिए। इन पर अभी फैसला होना बाकी है। पूरे घटनाक्रम के बाद अजय माकन ने एक पत्र लिखकर अपना पद छोड़ने की पेशकश की। इसके बाद 25 की घटना को लेकर कांग्रेस ने UDH मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। अभी इस विवाद का अंत नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा ने गहलोत और पायलट कैंप के बीच एकता का संदेश दिया। साल का अंत राज्य की कांग्रेस के लिए सुखद रहा। कांग्रेस के लिए अच्छी बात रही प्रदेश कांग्रेस के नए वॉर रूम का गठन। राजस्थान की कांग्रेस के लिए साल 2024 चुनौतियों से भरा होगा। ये चुनावी साल होगा और राजस्थान की कांग्रेस को मिथक तोड़ने के लिए भरसक प्रयास करने होंगे। इस दौरान नए बदलाव भी राजस्थान की कांग्रेस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पुराने मसले सुलझेंगे तो वहीं नई चुनौतियां भी पैदा होंगी। ये ज़रूर है कि खड़गे के आने के बाद कांग्रेस संगठन अब तेजी से काम करता हुआ नजर आएगा और राजस्थान चुनावी राज्य है, लिहाजे राजस्थान पर आलाकमान का फोकस रहेगा। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। नए साल का आगाज होने वाला है और 2023 चुनावी साल है, लिहाजा नए साल में प्रदेश कांग्रेस को 400 ब्लॉक अध्यक्ष मिल सकते हैं, जिनमें युवाओं महिलाओं को भी प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने वाला है। कांग्रेस की कोशिश यही है कि नए साल में उदयपुर घोषणा पत्र को पूरा किया जाए। 400 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पहली बार मंडल और संभाग अध्यक्ष बने। 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। उससे पहले PCC को चुस्त और दुरुस्त करना होगा। यही कारण है कि 400 नए ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाएंगे। संभव है 26 जनवरी से पहले घोषणा भी हो जाए, क्योंकि अभियान की शुरुआत ब्लॉक लेवल से ही होगी। ब्लॉक अध्यक्षों की सूची में महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यक और SC/ST को भी महत्व दिया गया। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में कई पद खाली है। 34 जिला अध्यक्षों और 400 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा होनी है। पूर्व में घोषित 13 में से 5 जिलों में भी अध्यक्ष बदले जाएंगे। सभी संभाग स्तर पर संभाग अध्यक्ष बनाए जाएंगे।
ये पद वरिष्ठ और अनुभवी कांग्रेस नेता को दिया जाए। 400 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में मंडल कांग्रेस कमेटी बने, 15 से 20 बूथ का एक मंडल होगा। इनका कार्य जिला और ब्लॉक के बीच सेतु का काम करना होगा। बूथ स्तर तक कैडर को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। मंडल कांग्रेस कमेटी में हर वर्ग की भागीदारी होगी। महिला एससी एसटी के पद आरक्षित करने का प्रावधान है। 23 दिसंबर को दिल्ली में हुई बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से प्रदेश में रिक्त चल रहे पदों का विवरण मांगा था और उसके बाद उन्हें जल्द से जल्द भरने के निर्देश भी दिए गए थे। आपको बता दें कि संगठन चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण और तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अजय माकन को प्रदेश कांग्रेस की तरफ से 400 ब्लॉक अध्यक्ष के नामों की सूची भेजी गई। अब नए सिरे से मंथन हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी भी बदल चुका है। अरसे बाद डोटासरा बिना पूरी टीम के ही अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। अधिक उम्र के लोग होंगे, संगठन के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से संगठन का चुनाव होता है, प्रदेश के अंदर 400 पीसीसी के डेलीगेट बूथ के कमेटी के द्वारा पीसीसी के डेलीगेट्स का चयन किया गया, उसी आधार पे 400 प्रदेश के अंदर ब्लॉक के अध्यक्ष बनने हैं। नीचे जो संगठन के विस्तार का कार्य है उसमें संगठन का नव निर्माण होना है। इन सब के अंदर नव संकल्प शिविर के अंदर जो संगठन के पुनर्गठन को लेके जो सुझाव आए। संगठन चुनाव के बाद पीसीसी मेंबर के साथ ही 400 ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा भी होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते घोषणा रोक दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद भी घोषणा होने की बात कही गई थी, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और बयानबाजी के चलते भी ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा को रोका गया। अब नया साल अहम है क्योंकि यही चुनावी साल है और खास बात यह है कि चुनाव में संगठन ही काम करता है। बिना कार्यकर्ता के सक्रिय हुए कोई भी दल चुनाव जीत नहीं सकता। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। वो साल है जो कोरोना महामारी की भयावहता के बाद सियासी तौर पर बीजेपी के लिए सरकार जाने के बाद महत्व का साल रहा। इस साल दिग्गजों के दौरों ने राजस्थान की पर्यटन की धरती को राजनीतिक पर्यटन पर भी खास पहचान दी। मकसद एक था, वो था बीजेपी के तमाम प्रमुख नेताओं को एकजुट करना या करने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सियासी संदेश देना। साल 2022 में सबसे महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, जिसमें मानगढ़ धाम में आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन राजस्थान के आदिवासी समुदाय में ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में एक बड़ा मैसेज देकर गया। मोदी के इस दौरे में भाजपा ने एकजुट होकर एक बड़ी ताकत भाजपा के साथ दिखाने की कोशिश भी की। हालांकि ये दौरा सरकारी दौरा था, लेकिन बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आदिवासियों को सुनाने में और मैसेज नीचे तक भेजने में एक बड़ी भूमिका अदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संक्षिप्त दौरा ऐसा हुआ जो बड़ा मैसेज जाबू रोड से देश और दुनिया में दे गया। प्रधानमंत्री के द्वारा मंच से लोगों को प्रणाम करने का तरीका मन लुभा गया
तो दूसरी तरफ देर रात होने की वजह से माइक का उपयोग ना करके अपने संबोधन के जरिए कार्यकर्ताओं को अपनी सादगी की मिसाल भी मोदी के द्वारा दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाजपा में दबदबा किसी से छिपा नहीं है। अमित शाह का जयपुर आना और भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करना पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंक कर गया। अमित शाह का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि भाजपा के अंदर खाने खींचतान की सियासत की रिपोर्ट लगातार तीसरे नेतृत्व के पास जा रही थी और ऐसे में 2023 की तैयारियों से पहले प्रमुख नेताओं का मिजाज जानना और आगामी तैयारियों के लिए मैसेज देकर जाना महत्वपूर्ण रहा। केंद्रीय गृह मंत्री का मारवाड़ जोधपुर दौरा भी बेहद खास रहा। इस दौरान मारवाड़ की सियासत को साधने के साथ साथ राजस्थान के भाजपा कार्यकर्ताओं का मिजाज जाना, साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार करके 2023 से पूर्व के सियासी संकेत भी दे गए। 2022 में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अनुसूचित जनजाति सम्मेलन के जरिए प्रदेश के एक बड़े वोट बैंक को साधना हो या फिर राजस्थान के एसटी वोट बैंक को मैसेज देना, सवाई माधोपुर में पहुंचकर पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करना पार्टी के लिए जान फूंकना माना गया। जेपी नड्डा का दौरा नहर क्षेत्र गंगानगर में भी हुआ, जहां से बीकाणा की पूरी सियासत को साधने की कोशिश की गई। जेपी नड्डा माउंट आबू में भी भाजपा की बड़ी बैठक में पहुंचे, जहां जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को वो तमाम बातें कही जिसको लेकर बीजेपी इन दिनों अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन कर रही है। भले ही परिवारवाद से दूर रहने की बात की गई हो या फिर नेताओं को अपने परिवार को राजनीति और सत्ता से दूर रखने की बात हो या फिर एकजुटता के जरिए चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ कांग्रेस से दो दो हाथ करने की बात हो, जेपी नड्डा ने इस दौरे के जरिए पार्टी के 200 विधानसभा क्षेत्रों से आए प्रमुख नेताओं को, जिला अध्यक्षों को, पदाधिकारियों को, विधायकों को और सांसदों को वो तमाम मंत्र दिए जो 2023 के लिए बेहद जरूरी होंगे। जेपी नड्डा का भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जयपुर आना और जयपुर आकर जयपुर से देश भर की सियासत को साधने के अलावा राजस्थान के भविष्य की भाजपा सियासत को एकजुट रखने का मैसेज देना भी चर्चाओं में रहा। इसी बैठक में जेपी नड्डा के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली से जयपुर में मौजूद तमाम प्रमुख नेताओं को अपना संदेश दिया। जेपी नड्डा ने जनाक्रोश यात्रा के रथ को रवाना करने के साथ इस साल के अंत से 2023 के चुनावी महासंग्राम का शंखनाद कर ही दिया। जयपुर के रामलीला मैदान से जेपी नड्डा ने रथों को भी रवाना किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, जो कि संगठन में इस वक्त एक ऐसी कड़ी है जिनकी जिम्मेदारी संगठन के तमाम कार्यक्रमों को धरातल पर लाने के साथ पूरे देश भर की भाजपा का मिजाज भांपकर आगामी प्लान तैयार करवाने में अहम भूमिका रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिद्धांतों को भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मनवाने के साथ ही व्यक्ति नहीं पार्टी सर्वोपरि होने के सिद्धांत पर भी काम करने के लिए जाना जाता है। बीएल संतोष का भी जयपुर पहुंचकर भाजपा के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करना बेहद चर्चाओं का विषय रहा। यही नहीं, जयपुर की धरती से ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के आखिरी दिन देश भर के तमाम संगठन महामंत्री और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करने के अलावा राजस्थान के प्रमुख भाजपा नेताओं के साथ आगामी 2023 के प्लान की रूपरेखा तैयार की गई। कुल मिलाकर के कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के 2022 में होने वाले दौरे सर्वाधिक चर्चाओं में रहे, वो भी ऐसे माहौल में जब दूसरे राज्यों के चुनाव में भी पार्टी की व्यस्तता रही। पार्टी में चल रही खींचतान और गुटबाजी की खबरें आलाकमान तक पहुंचना स्वाभाविक है। ऐसे में 2023 से पहले की तैयारियों में पार्टी के तमाम नेताओं को व्यस्त रखने के साथ एकजुट रहने की सलाह देना प्रमुख मकसद रहा। कांग्रेस ने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और केंद्र की भाजपा को लगातार निशाने पर रखा महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर, उसी अंदाज में राजस्थान में बीजेपी साल भर तक लगातार आंदोलन करती रही। लेकिन बीजेपी की जनाक्रोश यात्राओं और सभाओं ने खास सुर्खियां भी बटोरी। इंतजार रहेगा कि 2023 में बीजेपी जो 2022 में विभिन्न आंदोलनों के जरिए अपना रोडमैप बना चुकी है, उस रोडमैप के आधार पर कितना कारगर साबित होगी।
इकबाल के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।